How are you all? All magical, good by God's grace. All magical good. Evening, Manjuji. Magical evening. Magical evening. Magical evening. Inshallah. Magical evening. So. आपको मेरा नाम तो याद हो गया है. Definitely. काफी लोगों का हो गया. सपना जी, शैला जी, शीतल, and lots of people are there. So, please mute yourself. And we are just ready to start the session. So wait. Hello everybody. Hello. How are you all? Good, fine. So Nidhi ma'am is going to take the session today with me. We both are going to take this session today. So Nidhi ma'am will continue the book reading and explaining. So everyone is okay and ready for the session? Okay. Yes. So if everybody is ready, so chalo hum kuch karte hain naya. Okay. So before starting with the session, who is going to share something good about today? So Manju ji, aaj aap bataiye, chaliye pehle aap se shuru karte hain. So what's the good news? Today, the good news is that I and Nidhi are taking the session. Both are taking this session today. So this is a good news for me of today. Wow. Okay. So good news for me is that I just had Manchurian, homemade Manchurian. Aur maine bahut pet bhar ke khaya. And it was yummy. And now, Nidhi, what about your weight? That will be taken care of. We'll attract by following the law of attraction. We can manifest anything, you know. Yes. Okay. So we have so many tools to create magic in our life. So Lakshmi ji, kuch bolna cha rahe hain. Haan ji, Lakshmi ji, aap mute kar sakte hain apna. Lakshmi Narayan ji. Sir, Nidhi ji ka bahut achha session raha aur aaj aapke dono milkar ke isko double char chand lagayenge. Thank you. Yes. Wow. Thank you. Lakshmi Narayan ji ne pehle hi hame tathastu kar diya. Yes. Okay. So Sapna, what would you like to share today? What is the good news? Aaj maine pasta banaya white sauce mein. Wow. So how it taste? Amazing. Aaiye aap bhi taste karne. Amazing. Okay. So Pranav, what about you? What is the good news? Good news. I made malai kofta and chili paneer. सबका खाना शेयर हो रहा है यहाँ पे. पता नहीं कितने लोगों को भूख लग गई होगी और सब लोग चले जाएंगे डिनर के लिए. हाँ नहीं, गुड न्यूज ये भी है कि दो बार MPS का असाइनमेंट भी किया कॉन्सेंट्रेटेड 2 hours. वाओ, वो भी गुड न्यूज है. गुड न्यूज ये है कि मेंटोर्स की बरसात हो रही है कल से, वो भी गुड न्यूज है. वाओ. ओके, सो सुधा जी, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर गुड न्यूज? आप क्या खा रही हैं इस टाइम पे? ओके सुधा जी, यू आर हैविंग पीनट्स. यू आर ऑन म्यूट. मैं अनार खा रही थी. ओ वाओ, हेल्दी फूड. चलो पास्ता और मंचूरियन में से ये सेशन चल रहा है कि मुझे लग रहा है किसी रेसिपी का कोई वो सेशन चल रहा है, कोई फूड रेसिपी का. कोई अनार खा रहा है, कोई मंचूरियन खा रहा है. सो एनीवन हैड एनी शेयरिंग अबाउट दिस सेशन और बुक और सम क्वेश्चंस? एनी गुड न्यूज? रूबी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं. यस रूबी जी, आई
आदमी इनका म्यूट पे है. ओके फाइन ठीक है. तो चलो हम अपना सेशन शुरू करते हैं पहले. सो कैसे चार्ज अप कर सकते हैं हम अपने आप को, लेट्स बिगिन विद दैट. दीपिका जी कुछ कहना चाह रही है. यस दीपिका जी. यस बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन आई वेंट टू द नेक्स वाला दुकान टुडे. सो आई हैड सीन दैट ओनर दीपिका जी आपकी आपकी आवाज में थोड़ा ब्रेक ब्रेक आ रहा है. नहीं आस्किंग स्टार्ट अगेन. तो आई गेव फोन कर रहे थे. जस्ट आई गेव 500 मार देना मेरी तरफ से. इज इट ओके दीपिका जी? आपने जो बोला ना मतलब कुछ शेयर नहीं हो पाया बिकॉज योर वॉइस इज नॉट क्लियर एट ऑल. आई मीन योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. आप एक बार अपना कहीं थोड़ा स्पेस चेंज करके देखिए इफ यू कैन प्लीज. ओके 500 जगह. ओके जी आपको आवाज आ रही है इनकी? नेटवर्क का कुछ इशू है इसलिए आवाज नहीं आ रही है. हाँ वो दीपिका जी की आवाज बहुत ब्रेक हो रही है. दीपिका जी एक बार अपना नेटवर्क कनेक्शन प्लीज चेक करिए. हाँ जी हाँ जी बोलिए. हाँ जी बोलिए. मैंने ना मतलब कि जैसे वो जैसे हमें 10 rupees रोज के देने हैं वो तो ठीक है लेकिन हम वैसे कुछ और भी कर सकते हैं ना. जी जी. जैसे मैंने उसे 500 दिए कि क्योंकि उसकी वो यूसुफसराय में है ना एक गली है वहां पे बहुत एम्स हमारे घर के पास है तो फिर बहुत सारे पेशेंट्स वगैरह आते हैं सम वेरी पुअर एंड ऑल. सो मतलब आई कैन देयर ऑल द टाइम. सो आई गिवन हिम फाइव दैट शॉपकीपर 500 rupees कि आप मेरी तरफ से कर देना. पर वो भगवान तो भाव ही देते हैं ना. अब वो क्या जी, करते जी, हैं जी. वो तो yes. खैर वो कर देंगे वो तो मुझे भी पता है. आप बताएं yes, जी आपको. हाँ अब आपकी आवाज आ रही है ऑफ कोर्स. बट जैसे आपका वो जो भाव है देने का ठीक है वो मतलब आपकी अच्छी इंटेंशन से आपने उनको दिया. सो यू नो मतलब कई बार हम इन चीजों में पड़ जाते हैं कि वो उसका कैसे यूज करेंगे वो उनको यू नो ठीक से यूज करेंगे या नहीं करेंगे वो उसका क्या करेंगे. बट वी हैव नथिंग टू डू विद इट. हमने अपना पार्ट करना है विद अ गुड इंटेंशन. नाउ इट इज अप टू देम नाउ. ठीक है मतलब वी डोंट हैव टू कीप दैट डाउट इन आवर माइंड सो दैट मतलब हमने उसको डाउट जोन में नहीं जाना है. डाउटफुल जोन में या नेगेटिव जोन में नहीं जाना है. वी हैव डन आवर बेस्ट दैट इज द बेस्ट थिंग. क्लियर? क्योंकि ये एक टाइम पे मेरा भी ये क्वेश्चन था एंड आई आस्क माय मेंटर कि ऐसे हमने इस भाव से दिया ठीक है. आपकी आवाज नहीं क्लियर. मतलब जितना मुझे समझ में आया वो ये आया कि आपने किसी को 500 दिए. अब वो शॉपकीपर आप कह रहे हैं कि वो उनका क्या करे. क्लियर नहीं है साउंड. डोनेशन करते रहते हैं. आपको आ रही है मेरी आवाज? बहुत ब्रेक होके आ रही है. हेलो दीपिका जी. मतलब जो मुझे अभी तक समझ में आया उसके अकॉर्डिंग आपने जिस भी इंटेंशन से उसको दिया आप उस इंटेंशन को ही अच्छे से मतलब अच्छे इंटेंशन से आपने दिया. दैट इज द बेस्ट पार्ट इन यू. अब हमें उसकी यू नो इफ बट वाई में नहीं पढ़ना कि आगे उस अमाउंट का वो लोग क्या करें. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. प्लीज ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ. प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके सो लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस सो दैट हम एक बार जरूर रीजनरेट हो जाएं. ठीक है सो कम ऑन एवरीवन जस्ट क्लैप योर हैंड. आई लाइक टू सो everybody. Wow. Mamta ji looking beautiful. Sudha ji, I love your polka dots. iPhone ki koi blue t-shirt mein hai, unki smile bahut achhi lag rahi hai. I love your white dupatta and Manju ji's pink color. Beautiful. Wow. Thank you so much. And koi Pranav Bhandari hai, unki screen pe green color aa raha hai and I really like green. Wow. लक्ष्मी नारायण जी का चश्मा मुझे बहुत पसंद आ रहा है. वाओ
और एक और आईफोन है, इनके जो व्हाइट हेयर्स है, आई जस्ट लव द कलर ऑफ व्हाइट हेयर. यू नो, मतलब मेरे मन में है ये कि जब मेरा कभी वो व्हाइट हेयर वाला टाइम आएगा तो मैं अपने पूरे हेयर्स को व्हाइट करने वाली हूँ. यू नो, थोड़ा सा आर्टिस्टिक लुक देता है, ओरिजिनलिटी एंड नेचुरल. वाओ, सुरेश जी का बाल्ड हेड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. व्हाइट कलर विल यू सॉल्ट एंड पेपर. सॉरी, सॉल्ट एंड पेपर कलर, पिंक पेपर कलर. ओके, तो उमा जी ने भी अपना कैमरा खोला. थैंक यू सो मच उमा जी, एंड आई रियली लव द प्रिंट ऑफ योर सूट और कुर्ती, व्हाटएवर यू वेयरिंग. वाओ, ओके. यू नो, पता क्या कि आई रियली लव, यू नो, मतलब आई एम जस्ट पैशनेट अबाउट ड्रेसेस और फैब्रिक्स. तो मेरे को जितना टाइम मिलता है, मतलब जितना मुझे मौका मिलता है, मैं सबके जा के शुक्राने करती रहती हूँ. यू नो, बिकॉज आई एम लाइक, जो मेरा स्कूल का वर्किंग एरिया, इट इज ऑन द टॉप फ्लोर. तो जो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट ग्राउंड पे जो लोग मुझे मिलते हैं मॉर्निंग में, जब मैं नीचे से ऊपर तक जाती हूँ ग्राउंड टिल टॉप फ्लोर, तो जो जो भी मिलता है, ओ वाओ, आई रियली लाइक द कलर, ओ वाओ, कितनी अच्छी ड्रेस है. यू नो, एंड आई एम अट्रैक्टिंग ऑल द ड्रेसेस इन अबंडेंस. मंजू जी नोज अबाउट इट. सो दिस इज व्हाट इट इज. यू नो, व्हाटएवर यू लाइक, व्हाटएवर यू लव, जस्ट गिव योर प्रेजिंग एंडलेसली. उसको प्रेज करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एंड यू विल अट्रैक्ट. मे इट बी ज्वेलरी, मे इट बी फैब्रिक, मे इट बी, मे इट बी, उमा जी आप कुछ ऐड करिए, मे इट बी व्हाट, क्या पसंद आता है हमें? डायमंड. हाँ, डायमंड ज्वेलरी, राइट, एंड ऑक्सीडाइज ज्वेलरी. यू नो, आई रियली लव आर्टिफिशियल एज वेल. आई एम वेयरिंग आर्टिफिशियल समथिंग, सो आई रियली लव दैट ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एज वेल. यू नो, सो वी हैव टू कीप ऑन डूइंग प्रेजिंग एंड प्रेजिंग एंड प्रेजिंग वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ. ठीक है, सो दिस इज वट वी ऑल आर लर्निंग ऑल्सो. ओके, सो मेबी द कलर ऑफ द लिपस्टिक. यस यस, द कलर ऑफ द लिपस्टिक, यस, वी कैन. ओके, सो दीज आर अबाउट द. अच्छा, लक्ष्मी नारायण जी, हमने कोई मेल मेंबर से नहीं पूछा. लक्ष्मी नारायण जी, आप किस चीज को प्रेज करते हैं ज्यादा, किसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में ज्यादा? वी आर रनिंग ए स्कूल, तो आई लाइक स्मॉल चिल्ड्रन, दे शुड गेट देयर नॉलेज. टुडे आल्सो आई वेंट टू आवर स्कूल एंड देयर वर 160 स्टूडेंट्स, तो आई वांट दैट ऑल स्टूडेंट्स शुड फ्लोरिश. यू आर आल्सो ए आर्ट्स टीचर, आई प्रेज यू. ओ, थैंक यू, थैंक यू. ओके, सो ओके, सो थैंक यू कैलाश जी, सपना जी और लक्ष्मी नारायण जी, प्रवीण, उमा जी, सुधा जी. आईफोन ने दोबारा अपना फोन कैमरा ऑन किया, थैंक यू सो मच. एंड पुष्पलता जी का भी रेड कलर आई रियली लाइक, गाजरी कलर जो भी है, वाओ, आई लव कलर्स. यू नो, क्योंकि आप टीचर प्रोफेशन से हो तो कलर्स पे ऑटोमेटिकली ध्यान जाता है. ओके, फाइन. सो यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन. एक बार से फटाफट से अपने हाथों को रब करते हैं. कम ऑन, ये भूपत जी, जूम यूजर, हर्ष जैन, दर्शना, जितने भी मुझे स्क्रीन में दिख रहे हैं, काइंडली हमें गाना गाना पड़ेगा. ममता जी, पूनम, मधु, सारिका, वीवो, सतीश गुप्ता, जेपी अरोड़ा, रचना आहूजा, पूनम भंडारी. ओके, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं. अरे हम शुक्राना करने वाले हैं, कोई गैर नहीं. कौन, एवरीबॉडी जस्ट स्विच ऑन द कैमरा, हरी अप. यस यस यस, सो इफ वी वांट टू ऐड कलर इन आवर लाइफ, है ना, तो हमें अपने कैमरास को खोलना हो. ओके, क्योंकि अदरवाइज हमें, वी डोंट लाइक ना ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन. व्हाट डू वी लाइक? Colorful people, colorful screens. So let it be. Come on, we all are like a family, you know. Yes, yes. Thank you, Bhupat ji. Thank you, Hema ji. Thank you so much, Harsh Dhawan ji. Wow. Suresh ji ke saath lunch kar lete hain apan. Wow. We like you. Yes. We respect you. We love you. We all love each other. Wow. ग्रेट 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 ग्रेट. दर्शना जी की बिंदी मुझे बहुत अच्छी लग रही है. वाओ, ग्रेट. ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन टुडे. सो अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू सो वेरी मच. ओके, सो ओके, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ अस. वाओ, रियली थैंक यू सो मच दैट वी हैव ऑल स्विच ऑन आवर कैमरास. नाउ हम क्या करेंगे, ऐसे हाथ रब करके, जस्ट कीप योर हैंड लाइक दिस, मुट्ठी बनाइए, ऐसे हाथ रखेंगे. ओके, वी कैन जस्ट डू लाइक, ऊपर लेंगे, ठीक है, सांस भरते हुए एंड देन सांस छोड़ते हुए नीचे. ओके, सो 1 2 3 अप एंड डाउन, से अप एंड डाउन, अप
and down. Okay, so we actually have charge up now. So let's have ek achhi si hasi haste hain. So theek hai, unmute kar sakte hain aap apne aap ko aur uske baad acche bachcho ki tarah sab log apne aap ko mute pe bhi le aayenge. Theek hai. Okay, so ready? Yes. Okay. Okay. Ye class jeet chuke hain already. Okay. So yes, thank you for spreading laughter. Thank you for spreading laughter all around you. And wow, sabne apne aap ko mute bhi kar diya. Oh my God. Wow. Yes, we are so disciplined. Yeah. Wow. We are very sincere student of yours, Ji. Yes, all are very sincere students. Yeah, okay. So, Kailash Ji has won the prize, huh? Kailash Ji, aapke, aap add karte rahiye, aapke red star hum aapko dene wale hai. Aapke wishes jaldi puri hone wali hai. Thank you. Thank you so much. Okay. Aap jaise padhane wala teacher ho na. Badhaiya hamare bhai. Yeah, chalne wala bhi chalne lag jaye. जी तो आज के दिन अगर आप लोग हंसे नहीं होंगे और इस तरह से एक्सरसाइज नहीं की होगी और एंजॉय नहीं किया होगा तो आज दिस इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू दैट वी हैव हैप्पी नाउ वी हैव एनर्जेटिक नाउ और हम बहुत अच्छे से अब निधि का सेशन सुनने जा रहे हैं तो थैंक यू सो मच निधि फॉर एंटरटेनिंग सो मच मंजू जी एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स यहां पे ये सेशन आप सबका है यू नो इट इज नॉट अबाउट मी मंजू जी इट इज ऑल अबाउट यू पीपल बिकॉज इफ यू एग्जिस्ट ओनली देन वी आर हियर बिकॉज ऑफ यू पीपल सो थैंक यू सो वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स एज वेल थैंक यू तो मंजू जी आप स्क्रीन शेयर कर पाएंगे हां मैं एक मिनट ट्राई कर रही हूं एक मिनट हां ओके नहीं तो यहां पे शैला कैन यू शेयर द स्क्रीन जी सपना जी आपने कल डायरी मंगवाई थी जी अभी हम वो खोलने वाले हैं सरप्राइज एक मिनट मैं ट्राई कर रही हूँ अगर खुल जाती है तो आप एक बार देखिए अगर स्क्रीन ओपन हो रही है आप देख पा रहे हैं क्या मैंने अभी किए ओपन क्या दिखाई दे रही है सबको स्क्रीन दिखाई दे रही एक मिनट नहीं नहीं हमारे यहाँ हमारे यहाँ बाइक थोड़ी आई थी बाइक हमारी नहीं है जी मैं ट्राई करती हूँ बट सो यस हु इज गोइंग टू रीड टुडे जी यस डे 205 डे 205 वेदर योर थॉट्स आर अबाउट समथिंग रियल or something that is not real, whether your thoughts are about the way your life is now or about the way you want your life to be, the law of attraction is responding to those thoughts. In other words, the law of attraction does not know whether you are imagining something or whether it is real. Now, do you understand the power of your imagination? Yes. Thank you, Darshana ji. So this is what they are saying, you know, that whether your thoughts are about something real or something that is not real. Aap kuch bhi sochte hain, hamara mind jo hai, subconscious mind or conscious mind, jo, you know, ek out of fear, kuch thoughts hamare mind mein stuck kar jate hain. ठीक है सो आपकी वो थॉट्स बेशक रियल नहीं होती बट आसपास का कोई सिनेरियो ऐसा बन जाता है हमारे आसपास तो हम उस चीजों को अपने माइंड में बिठा लेते हैं ठीक है सो वेदर दैट आर रियल और नॉट वेदर योर थॉट्स आर अबाउट द वे योर लाइफ इज नाउ और अबाउट द वे यू वांट योर लाइफ टू बी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्डिंग टू दोज थॉट्स इन अदर वर्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट नो वेदर यू आर इमेजिनिंग समथिंग और वेदर इट इज रियल यू नो तभी आपको बोला जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये नहीं मालूम है कि वो हकीकत घट चुकी है अभी वो हो चुका है आपके साथ जो फ्यूचर में होने वाला है तो यू हैव टू एक्चुअली feel it in the present as it has already happened to you ye bar bar bola ja raha hai na ki aapka koi bhi dream hai ya aap kisi bhi cheez ko attract karna cha rahe hain to aap usko at present jiyoge us sapne ko us thought ko theek hai to ye main aapko ek example se batana cha rahi thi jaise meri ek student reh chuki hai ex student uska naam himanshi hai
So she wanted to get admission in the art college, that is an ITO, and that has, you know, matlab bahut mushkil hota hai wahan pe admission ko pana. So there were about thousands of students, and out of it, 60 candidates about to select. Okay, so matlab 3-4 saal pehle ki hi baat hai ye, jab hum log ye padh rahe the, I think 3 years now. So usko usne apna entrance test diya. And when she came up to me, uske baad entrance test dene ke baad ki ma'am main de aayi hu test, but I am very doubtful, you know, pata nahi hoga ya nahi hoga, itna tough competition tha, and I was into that this journey at that time, you know, and I simply said ki mujhe nahi sunna, tera nahi hoga, kya hoga, no, you have to say that mera ho gaya. Kehti are ma'am 5000 bacche the usme se mera hoga. Maine kaha mujhe ye nahi malum, tu universe ki favorite bachchi hai aur tera admission होगा, बंद करो उसको, ठीक है. सो ऐसा क्या हुआ था उसके साथ, दैट व्हेन शी हैज दिस की डाउट कि नहीं, तो आई मेक हर सिट विद मी एंड मैंने बोला कि तू इमेजिन कर कि तेरा एडमिशन हो गया है, एंड यू नो नॉट ओनली तेरा एडमिशन हो गया है, तू वहां की इतनी फेवरेट स्टूडेंट बन गई है सबकी कि वाओ. सो बहुत अच्छा उसको उस टाइम पे फील करते हुए हुआ. आई इन्वाइटेड हर इन टुडे सेशन, पता नहीं आई थिंक उसने ज्वाइन किया या नहीं. सो क्या हुआ था, उसका नेम वेटिंग लिस्ट में आया, ठीक है, मतलब उसका नेम वेटिंग लिस्ट में सेकंड नंबर पे था. एंड जब कुछ दिनों बाद उसका रिजल्ट आया, शी केम अप टू मी एंड शी सेड मैम नहीं हुआ, मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में. मैंने कहा ओ वाओ ग्रेट. तो कहती व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट, तो आई सेड कि तेरा हो गया ना एडमिशन. कहती अभी 2 बच्चे वेटिंग में और है, मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम है. मैंने कहा तूने बोलना है हो गया, एंड बिलीव मी उसने बोला हफ्ता मुझे वेट करना पड़ेगा मैम, क्योंकि कॉलेज में बोला गया है मुझे, मतलब उसने कॉल करके पूछा तो कॉलेज वालों ने उसको रिस्पांस दिया कि वी विल लेट यू नो, अगर कोई सीट खाली होगी, कोई बच्चा छोड़ के जाएगा तो वी विल कॉल यू, यू नो. दो ही उसमें वेटिंग लिस्ट पे 2 ही बच्चों का और होना था. सो दिस इज व्हाट इट हैपेंड. और जब मतलब शी वॉज डाउटफुल अर्लियर, तो मैंने उसको बोला अब जो तेरे पास ये 1 हफ्ता है, तू अपनी पावर लगा दे सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में. यू हैव डन योर टेस्ट, यू हैव डन योर बेस्ट पार्ट, नाउ व्हाट यू कैन डू इज, अब तेरे हाथ में क्या है, अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को यूज करना, तो यूज इट. एंड बिलीव मी शी हैज गॉन सिलेक्टेड, यू नो, वो बच्चा अपने आप छोड़ के चला गया, जो कि बहुत रेयर होता है ऐसा होना, यू नो. और जब इतनी सारी 5000 में से आपको 60 कैंडिडेट से सिलेक्ट करने हैं, एंड शी हैज अपीयर्ड इन इट, एंड इट वॉज लाइक वाओ. उसने बोला मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको बोलते हैं, ऐसे काम करता है. तो मैंने बोला यस, यू नो. तो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो व्हाट यू व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ, जस्ट हमें अपना एफर्ट करना है, ठीक है, हमें अपना बेस्ट देना है, एंड देन व्हाट एल्स वी कैन डू इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग दैट थिंग. एंड बिलीव मी उसको फर्स्ट ईयर के मिड में ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी बना दिया गया. और कल हम उसके कॉलेज के एग्जीबिशन में गए थे, नाउ शी इज अ पास आउट फ्रॉम कॉलेज, एंड यू नो एवरीबॉडी नो दैट हु इज हिमांशी. सो दिस इज व्हाट यू नो आई वांटेड टू शेयर, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज रिस्पोंडिंग टू योर थॉट्स. कीप योर थॉट्स पॉजिटिव ऑलवेज, नो मैटर व्हाट, ठीक है. सो यस, वी आर नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. या ओके, सो आई Yes. Mamta. Sapna ji. Yes, you can read. Yes. Day 206. Okay. Here are 4 fundamental things to do to manifest money using the law of attraction. First, think more thoughts of abundance in a day than of lack of money. Second, be happy now without the money. Third, be truly grateful for everything you have now. Fourth, give the best of yourself to others. 4 easy steps, you can do them if you want it enough. Thank you, Sapna ji. So, अभी हमने आपको कल एक assignment दिया था और Sapna ji ने ही by chance ये paragraph पढ़ा, because she has attracted somewhere something जो भी हम disclose करने जा रहे हैं. तो Sapna ji ने मेरे से पूछा अभी session के beginning में कि निधि जी आपने diary मंगवाई थी. So now that diary is coming in your way. Okay, so what is the next step you have to do is, aaj ek choti si ek tip hai, just a second, I'll share with you all. Yes, so aapko ek diary hame bola tha lane ke liye, theek hai, uske saath aapne kya karna hai, because jaisa hame ma'am ne bataya aur Rajan sir ne bataya, jitne bhi yahan mentors hain, ki money ek aisa factor hai hamari life ka, ki wo tangible hoti hai, theek hai, we can just count it.
है ना, और हमें उससे विजिबल रिजल्ट मिलते हैं. ऑलराइट मायरा, ओके. सो सॉरी, या सो हेयर आर फोर फंडामेंटल थिंग टू डू मैनिफेस्ट मनी यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो आपको मनी को कैसे मैनिफेस्ट करना है, यू ऑल नो दैट, जो हमने मैजिक बुक में भी पढ़ा दैट वो हम चेक बनाते हैं, यू नो वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर द मनी आई हैव बीन रिसीविंग थ्रू आउट माई लाइफ. वो चेक बनाया हमने, ठीक है, जो भी हमने बिल वाला चैप्टर किया था कि जितना भी बिल हमें पे कर चुके हैं, बिल पेड, थैंक यू, ये जितनी भी एक्टिविटीज हम लोगों ने की थी. राइट, सो अभी यहाँ पे शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैजिक सेशन से नहीं है. सो एक एक्स्ट्रा टिप क्या है आप लोगों के लिए कि आपने क्या करना है उसमें, या यू हैव टू मेक अ स्मॉल डायरी, ठीक है, उसको अपनी मनी को आपने अपना फ्रेंड बनाना है. और आप कल इसको शेयर करेंगे, सेशन शुरू होने से पहले हम ये वाली शेयरिंग आपसे लेंगे, क्योंकि आई नो दैट दिस इज सो 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 पावरफुल. आपने करना क्या है, जैसे इसमें लिखा है, थिंक मोर थॉट ऑफ अबंडेंस इन अ डे देन लैक ऑफ मनी. ठीक है, आपने दिन में कुछ भी अच्छा खाया, मे बी यू हैड आइसक्रीम, मे बी यू स्पेंड, यू नो, कोई आपने रोड साइड पे स्ट्रीट फूड खाया, मे बी किसी रेस्टोरेंट में गए, मे बी यू हैव परचेज समथिंग फॉर यू. ठीक है, तो हमें वहां पे अपना ध्यान लेके नहीं जाना जहां पे लैक ऑफ मनी वाले हैं एक्शंस. वी हैव टू थिंक अबाउट द अबंडेंस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. देन बी हैप्पी नाउ विदाउट द मनी, मतलब अगर आपके पास मनी नहीं है तब भी आपको यू हैव टू फील इट एज यू आर ऑलरेडी हैविंग इट. ठीक है, बी ट्रूली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव नाउ, गिव द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ टू अदर्स. फोर इजी स्टेप, यू कैन डू देम इफ यू वॉन्ट इट इनफ. अगर आपको इनफ मनी चाहिए तो उसके लिए क्या असाइनमेंट है आप लोगों का, आपने उस डायरी को अपना बेस्ट बडी बनाना है. ठीक है, उसको अच्छे से हम उसका जो फर्स्ट पेज है ना उसको ऐसे डेकोरेट करेंगे जैसे दुल्हन नहीं होती है, यू नो, और जैसे हम उसको पूरा सजाते हैं उस डायरी को. सो आपने अपनी मनी को एक प्यारा सा नाम देना है. आप मनी इज योर फ्रेंड, ठीक है, अब उसको लक्ष्मी माता भी बोलते हैं हम, और अगर लेकिन आई थिंक लक्ष्मी माता बोलेंगे तो शायद थोड़ा सा वो बड़ो वाला फील आता है, दैट इज माई थॉट. ठीक है, तो आपने उसको शंटी, बंटी, ठीक है, लैला, मजनू, जो नाम देना देंगे, ठीक है, दैट इज अप टू यू. आपने यस बंधारी जी, हाँ जी, ठीक है, तो जो आपने डायरी अभी शो करी, यस, सो आपने उसे कोई भी नाम देना है, आपका कोई भी बेस्ट बडी जो आप चाहते हैं. ठीक है, सो एंड सो, कोई भी नाम, बंटी, शंटी, जो भी आपको नाम देने हैं. ठीक है, आप उस डायरी का वो नाम रखेंगे, एंड देन यू हैव टू बाय द एंड ऑफ द डे आपने जो भी कुछ किया, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपको याद है जब हमारा टाइम पहले जब हम छोटे होते थे तो हम एक डायरी रखते थे अपनी पर्सनल डायरी, और लॉक वाली डायरी होती थी वो, याद है आपको, जब उसमें कुछ कुछ बच्चों की हैबिट होती थी कि वो हम डायरी में अपने नोट्स बनाते थे, कुछ हमारी एक बुक होती थी, आई थिंक स्लैम बुक होती थी वो, जिसमें हम अपने फ्रेंड्स के बारे में लिखते थे. ऑलराइट, तो आपने इस डायरी में राम प्यारी, वाओ व्हाट अ नेम, जो भी चैट में आया राम प्यारी, इट इज अ गुड नेम. ठीक है, तो आपने मनी को बिल्कुल अपना बेस्ट बडी बना देना, जैसे कहते हैं ना, अरे यार कैसी है तू, यू नो, सो बी लाइक इन दैट स्पिरिट. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, अरे वाह यार तेरे बिना तो मजा ही नहीं आता पार्टी में. सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर डायरी एज योर बेस्ट बडी. ठीक है, आप उसको कोई नाम देंगे, और जब आप पूरा दिन का, रात में जब आप सोने लगेंगे, ऑलराइट, तो आपने उस डायरी में लिखना है क्या, यार आज तू मेरे पास थी, तुमको पता है तेरी वजह से मैं आइसक्रीम खा पाई, एंड यू नो व्हाट, आइसक्रीम खाने के साथ साथ मैंने मंचूरियन का सारा सामान लेकर आई, एंड आई हैव डन इट, यू नो, इतना मजा आया खा के, तू थी तो तेरी वजह से ये हो पाया. ठीक है, सो आपको ये जो मैं फीलिंग बता रही हूँ ये आपको लिखनी है. यू हैव टू राइट इट डाउन एज इफ आप उससे अपनी हर चीज शेयर कर रहे हैं. ठीक है, और आपने जैसे होता है ना, जब एक नई नई दुल्हन घर पे आती है, तो जब हम रोज नया मतलब उठते हैं दिन में, तो यू नो क्या करती हैं गर्ल्स की, थोड़ा अच्छे से ड्रेसअप होती हैं, तैयार होती हैं, एक दिन साड़ी, फिर सोचते हैं अच्छा आज नए नए घर पे आई तो मैं कल क्या पहनूंगी, ओके सूट, ओके ट्राउजर, ओके दिस. ठीक है, तो मैं ना उसको अपने हिसाब से रिलेट कर लें. ठीक है, सो आपने क्या करना है, आपने उस डायरी से रात को ऐसे बात करनी है कि आप उससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, बी इन दैट abundance, you know, and grateful mode. जैसे होता है ना कि
इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे जब आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ पहले डेटिंग पे जाते होंगे, तो जब हम जाते होते हैं तो वी आर सो एक्साइटेड, यू नो, कि अरे वाह जो मिलने वाले हैं, सो वी यू नो वी ड्रेस अप अकॉर्डिंगली. सो अकॉर्डिंगली आपको भी अपनी डायरी को वैसे ही ट्रीट करना है कि आप सब कामों से आए और बोला हाँ भाई राम प्यारी अब मैं तेरे पास हूँ, अब चल बात करते हैं. मुझे पता है क्या कि आज मैंने फटाफट से वहां जाके आइसक्रीम खाई दोपहर में जब मैं इतनी थकी हुई थी, तो बाहर आगे जाके स्टॉल पे मैंने गन्ने का जूस भी पिया, तो को पता है आई जस्ट लव्ड इट. सच में तू ना हो ना मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, अदरवाइज आई जस्ट रिलिश द टेस्ट. उसके बाद और क्या, मैं जब सोने लगी तो गोलगप्पे वाला भाई आ गया नीचे, एंड देन आई हैड दैट एज वेल, वाओ. और उसके बाद क्या, अच्छा आज कोई मेरा कोई पेंडिंग ऑर्डर था और तेरी वजह से मैं वो भी पूरा कर पाई, ओ माई गॉड वाओ कितनी प्यारी है. सो आपको आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, ठीक है. तो आपके अपने थॉट्स को मे बी वो एक पेज दो पेज आप उससे अपने पूरे दिल का राज जाहिर करेंगे. मे बी कोई ऐसा सिचुएशन हो जो आपकी पूरी नहीं हो, लेकिन हम वो नहीं बताएंगे. क्लियर, हमने डायरी को वो बताना कि हाउ मच आई एम लविंग यू. ठीक है, जब हम प्यार में होते हैं या जब हम डेटिंग में होते हैं तो क्या करते हैं, हम अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बातें करते हैं और हम अपनी अच्छी अच्छी चीजें सामने आने देते हैं. आर यू ऑल अग्री विद दिस, यू नो, राइट. सो वही अच्छी अच्छी चीजें ही हमें निकालनी है, ठीक है. सो हमने ऐसे ही उन्हें करना है, एंड देन एक्सप्रेस, बेसिकली यू हैव टू एक्सप्रेस योर लव इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग. इतना क्लियर है, ठीक है. देन एंड सी द डिफरेंस कि आपका जो भी, आप खुद देखना कि रात तक, मतलब जब अगर आज रात को भी अगर आप ये करके सोते हैं तो कल रात को यू हैव टू शेयर हेयर कि आपके साथ पूरे दिन में कल क्या हुआ. क्लियर, आप इसको एक दो दिन करके देखेंगे एंड देन यू विल शेयर इट कि वो मनी कैसे डबल ट्रिपल, यू नो, कैसे वो अमाउंट आपका इंक्रीज हुआ, किस फॉर्म में हुआ. क्लियर, इसमें आपको मतलब विद इन 3 days आप रिजल्ट फील करते हो. क्लियर, सो ये आपको करना है आज, दिस इज व्हाट इट इज. सो यू हैव टू रिस्पेक्ट मनी एंड ट्रीट इट लाइक एज इफ यू आर टॉकिंग टू इट एज अ फर्स्ट टाइम लवर. इतना क्लियर है, ठीक है. तो हमें ये सब करना है, ये सब एक ख्याली पुलाव नहीं है. अगर आप इसको एक्चुअली करेंगे तो एक्चुअली बहुत लोगों की लाइफ में रिजल्ट आए हैं, ठीक है. बस आपको उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रखना है, ठीक है. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज कि आपको ये वाले स्टेप फॉलो करने, जैसे आपने बोला ना, जैसे इसमें लिखा है बी ट्रूली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव नाउ. आप उसकी वजह से क्या क्या कर पाए पूरे दिन में, जस्ट एक्सप्रेस योर लव, ठीक है. मैंने उसका नाम लक्ष्मी रखा था कि लक्ष्मी लक्ष्मी आजा यार तू बता मुझे, यू नो, आज ऐसा हुआ, तो आई केप्ट ऑन राइटिंग लाइक दैट, ठीक है. सो हमें ये भाव रखना, नाम बसंती रखा है डायरी का, ठीक है, तो बसंती भी रख सकते हैं. तो बसंती की भी एक स्टोरी है, वो हम बाद में शेयर करेंगे. ओके, सो यू नीड टू चेरिश द रिलेशनशिप विद द मनी, क्लियर, एंड रिस्पेक्ट मनी, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इट इज. और एक हम करते हैं ना गिव एंड टेक, ये गिव एंड टेक हम वर्ड बहुत यूज करते हैं, गिव एंड टेक. सो गिव एंड रिसीव, ठीक है. जब हम रिसीव वाले जोन में होते हैं तो वी आर मोर इन अ रिसेप्टिव जोन, ठीक है. तो इसके बारे में हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स हुए, उसके बाद यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट, ठीक है. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज, दैट दीज आर द फंडामेंटल थिंग टू मैनिफेस्ट मनी यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर. और आप ये करने से पहले एक अमाउंट फिक्स करके लिख लीजिएगा कि आपको ये अमाउंट मैनिफेस्ट करना है, एंड देन स्टार्ट डूइंग दिस एक्टिविटी, ठीक है. थोड़ा सा अमाउंट को भी हम टैंजिबल रखेंगे, इट इज नॉट लाइक इन करोड़ और समथिंग. कोई भी एक छोटा सा अमाउंट लेके रखो जिससे आपको थोड़ा बिलीव हो कि यस ओके फाइन इतने से ट्राई करते हैं, ठीक है. सो लाइक दैट यू नीड टू स्टार्ट. ओके, सो यस, नेक्स्ट पेज. कैन आई रीड निधि? जी जी प्लीज, ममता जी. यस, द लॉ ऑफ इट अलोन. Yeah, the law of attraction has never failed anyone, so it will not fail you. The law does not fail. When things are not appearing as wanted, it is always because the person is not using the law correctly. The law is infallible, and so when you work in perfect harmony with the law, you will experience the results. Wow. Thank you, dear. So, वही इसमें बोला जा रहा है अभी भी जो हमने पढ़ा है, दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू योर थॉट्स, ठीक है. ये फेल ना कभी हुआ है ना कभी हो सकता है. आई मीन दिस इज जस्ट जैसे एक लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, कि अगर आपने बॉल को ऊपर से फेंका तो वो नीचे ही जाएगी, इसे कोई बदल नहीं सका आज तक. तो ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, वट एवर यू
थिंक ठीक है आप जिसको अपनी एनर्जी डालेंगे जिस इमोशन में अपनी एनर्जी डालेंगे दैट विल मैनिफेस्ट क्लियर सो द लॉ डज नॉट फेल व्हेन थिंग्स आर नॉट अपीयरिंग एज वांटेड इट इज ऑलवेज बिकॉज द पर्सन इज नॉट यूजिंग द लॉ करेक्टली जैसे मैंने आपको भी बताया कि हिमांशी का जो नंबर था वो वेटिंग लिस्ट में आया ठीक है तो अब मैं इस चीज को इसमें मैंने उसको तब भी बोला था मैंने कहा तू डाउटफुल एनर्जी उसमें मत डाल ठीक है तू मत घबरा हो जाएगा हो गया है जस्ट थिंक अबाउट इट तो इट मींस दैट यू नो इफ द थिंग्स आर नॉट हैपनिंग अकॉर्डिंगली तो इट मींस देयर इज समथिंग व्हिच यू आर डूइंग रॉन्ग ओके द पर्सन इज नॉट यूजिंग दैट लॉ करेक्टली clear so the law is infallible and so when you work in perfect harmony with the law you will experience the result as Himanshi has appeared from the waiting list to the main list theek hai jab maine wo jo ek hafte ka time tha aur jab uska wo pehle baar nahi hua you know jo ek chhota sa dhakka usko laga ki main nahi hua so and then we said ki nahi ab hum din mein 20-25 minutes तुम भी वहां से विजुअलाइज करोगे मैं भी विजुअलाइज करूंगी एंड आई हैव सेंड हर द ऑडियो कि ओ वाओ मेरा एडमिशन हो गया है मैं कॉलेज में एंटर कर रही हूँ सब टीचर्स की मैं फेवरेट बन चुकी हूँ यू नो सो जब हमने ऐसे ऐसे किया उसको 20 मिनट तक एंड दैट हैज हैपेंड तो क्या तो इसमें लॉ की गलती नहीं है इसमें हमारी गलती है दैट इफ दैट लॉ इज नॉट वर्किंग इन योर लाइफ तो इट मीन्स दैट वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट करेक्टली क्लियर यस तो आगे बढ़ते हैं day 208 can I reach Nidhi ji Pranav ji gents ko bhi mauka milne to de dena sometimes when we don't have the courage to change everything changes around us to direct us to a new path you cannot stop yourself from growing evolution requires it right जैसे हमने पढ़ा भी है अभी तक जो हमारे मेंटर्स ने हमसे शेयर किया था यू नो कि सम टाइम व्हेन वी डोंट हैव द करेज टू चेंज जब हम वो हिम्मत नहीं करते चेंज को करने के लिए बिकॉज चेंज इज समथिंग जिसमें करेज चाहिए होता है वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है पर बहुत कम लोग उस डर को फेस करते हैं यू नो हम क्या करते हैं कि हम जनरली अपने कम्फर्ट जोन में रहते हैं बट व्हेन वी एक्चुअली फाइट यू नो व्हेन वी एक्चुअली कैसे ना पैशनेट अबाउट व्हाट वी वांट व्हेन वी शो द करेज टू चेंज एवरीथिंग चेंजेस अराउंड अस टू डायरेक्ट अस टू अ न्यू पाथ यू कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम ग्रोइंग ठीक है सो इवोल्यूशन रिक्वायर्स इट ग्रोथ रिक्वायर इट तो जैसे हमें वो लाइन मुझे याद है यू नो व्हेन वो था कि व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग द न्यू रिजल्ट एंड फॉलो द ओल्ड रूल्स यू नो वो नहीं होगा सो फॉर टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज यू हैव टू चेंज द प्रैक्टिसेस एज वेल इन अ प्रॉपर वे क्लियर एक्सपेक्टिंग द सेम रिजल्ट सॉरी एक्सपेक्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट बाय डूइंग द सेम प्रैक्टिसेस इज कॉल्ड इनसेनिटी जो मैम ने हमें यू नो इतना बोला है कि अगर आपको रिजल्ट को चेंज करना है यू हैव टू थिंक अबाउट कि प्रैक्टिस में क्या हो रहा है हमारे सो प्रैक्टिस इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग क्लियर सो हमें वो प्रैक्टिस को करना है Okay, so we'll be reading one more page, day 209. So if you want a growth in your life, आपको वो courage का जो step है, you have to go with that, with clean and clear intention, and then you will be there to go. Okay, so yes, day 209. Some gents can read it. We are giving to the chance to gents also. Yes, Munja. जी please. Yes, Kailash ji. वैसे मैं हिंदू का स्टूडेंट हूँ कोशिश कर रहा हूँ कोई गलती हो तो संभाल लीजिए आप एकदम बढ़िया पढ़ेंगे एकदम डन आप पढ़ चुके हैं बढ़िया पढ़ लिया आपने एकदम मस्त वाला डे 209 देयर इज नथिंग यू कैन नॉट डू एंड इफ यू अप्रोच ऑल थिंग इन द लाइफ इन द राइट ऑर्डर यू विल डू एवरीथिंग यू वांट लिव योर ड्रीम ऑन द इनसाइड फर्स्ट completely and totally and then it will manifest in your life when you have turned yourself on the inside so completely you will manage everything you need for your dream to become a reality
this is the law. All creation in your life begins inside of you. Thank you. Wow. Wow. Very nice, Sundar ji. Yes, वो तो आपने वो तो आपने हमें बताया कि आप हिंदी मीडियम से हैं वरना कोई कह नहीं सकता वाओ ओके पर मैंने राजन सर की क्लास में ऐसे इसको शेयर किया था तब तब मेरे को राजन सर ने कहा भी आज के बाद नहीं बोलोगे मैं हिंदी से हूँ जी तो राजन सर को ये कंप्लेंट जाने वाली है वो पिटाई करेंगे आपकी थैंक यू ओके नहीं बट रियली थैंक यू सो मच कैलाश जी ग्रेट एफर्ट एंड ग्रेट रीडिंग एज वेल ओके So this is so amazing. सब ध्यान से सुनना ठीक है क्योंकि जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे कैसी because मैं movies देखती नहीं हूँ generally but कुछ कुछ movies जो देखते हुए family के साथ चलते फिरते देख ली समझ में आ गया सुन लिया like that otherwise I'm not a movie kind of person तो इसको लेकिन मैं आज आपके दो assignment रहेंगे एक तो ये I don't think कि मतलब यहाँ पे सबके पास तो डायरी मुझे नहीं दिखी बट जिसके पास भी है एक तो वो assignment करके सोएंगे सब मनी वाला एंड सेकेंड असाइनमेंट है आपने आज मूवी देखनी है या कल मूवी देखनी है सॉरी सब लोग मुझे पीटेंगे बट चैन खुली की मैन खुली ठीक है ये एक मूवी थी और हम में से शायद बहुत लोगों ने देखी भी होगी तो इसमें ये जो लिखा है देयर इज नथिंग यू कैन नॉट डू एंड इफ यू अप्रोच ऑल द थिंग इन लाइफ इन द राइट ऑर्डर यू विल डू एवरीथिंग यू वॉन्ट लिव योर ड्रीम ऑन द इनसाइड फर्स्ट इसको मार्क कर लो लिव योर ड्रीम ऑन द इनसाइड फर्स्ट कंप्लीटली एंड टोटली एंड देन इट विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ ठीक है व्हेन यू हैव ट्यून्ड योरसेल्फ ऑन द इनसाइड सो कंप्लीटली यू विल मैग्नेटाइज एवरीथिंग यू नीड फॉर योर ड्रीम टू बिकम अ रियलिटी ठीक है तो वो रियलिटी कैसे बनती है एक एग्जाम्पल से मैं बताऊंगी अभी आपको लाइक दिस इज द लॉ ऑल क्रिएशन इन योर लाइफ बिगिंस इनसाइड ऑफ यू ठीक है थिंकिंग जो इनसाइड हमारा है उसमें अगर आपने ड्रीम को जी लिया ना तो आपके मन ने बोलना है जैसे मेरे अंदर एक छोटी निधि है वो बोलेगी अरे वाह वाह मजा ही आ गया यार अब तो ये हो गया डन तो इसमें खुश है हाँ मैं बहुत खुश हूँ तुझे क्या मिलेगा इसके बाद थोड़ी खुशी मिलेगी यार बहुत मजा आएगा अरे चल हो गया डन कर दे यू नो दिस इज लाइक दैट तो जो भी जैसे कैलाश जी के अंदर छोटे कैलाश है मंजू जी के अंदर छोटी मंजू जी है यू नो इट इज लाइक दैट तो इंटेंशन आपने बता देनी है अपनी कि मैंने तो ये ड्रीम जी लिया यू नो तो एक जो वो चैन खुली की मैन खुली में क्या स्टोरी होती है कि एक बच्चा होता है एंड ऑफन एज में रहते होते हैं वो ठीक है अनाथालय में वो रहते होते हैं और उनको कुछ खिलौने लोग देके जाते होते हैं आई थिंक कुछ लोगों ने देखी भी होगी वो मूवी तो उसमें से एक बॉय होता है जो मूवी का हीरो ही बोल लो उसको कि वो जो बच्चा होता है उसको एक बैट मिलता है ठीक है उस बैट पे लिखा होता है कपिल 83 ठीक है तो जब उस बैट पे लिखा होता है कपिल 83 तो वो सारे टॉयज में से बॉल कुछ नहीं चुनता बड़े बड़े टॉयज नहीं वो हल्का सा बैट को थोड़ा हल्का सा वो टूटा फूटा भी होता है आई थिंक इतना मुझे रिकॉल नहीं हो रहा बट उस पर लिखा होता है कपिल 83 एंड ही चूजेस दैट बैट आउट ऑफ इट ठीक है उसके बाद जब भी वो बच्चे खेलने जा रहे होते हैं जो भी उनके वार्डन होते हैं वो कहते हैं चलो खेलने जाओ पार्क में वो बॉयज स्कूल होता है बॉयज हॉस्टल होता है तो वो जब खेलने जाते हैं तो वो बच्चा उसी बैट से यूज करके मतलब उसको लगता है दैट दिस इज अ मैजिकल बैट यू नो उसका बिलीव होता है उसमें कि अरे कपिल 83 लिखा तो पक्का कपिल देव ने इसको साइन किया हुआ है और उसको लेता है और वो फील्ड में चला जाता है खेलने के लिए जब वो पहली बॉल मारता है और यूं हवा में तेज उड़ के जब बॉल जाती है तो एक गाड़ी के शीशे का वो ब्रेक हो जाता है गाड़ी का शीशा फटाफट से एक इंडियन कोच ठीक है क्रिकेट का कोच होता है वो निकल के आता है ही शाउटेड लाइक किसने मारा ये छक्का किसने मारा वो एकदम ग्राउंड में आके जोर से बोलता है और जितने भी वो उसके फ्रेंड्स होते हैं यू नो वो बोलते हैं इसने 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 एंड ही सेड यस कहता अच्छा मार के दिखाओ दोबारा मार के दिखाओ एंड ही डिड 15 चौके छक्के वो इकट्ठे मारते हैं ठीक है सो क्या होता है 15-16 छक्के जब उसने इकट्ठे मारे तो जो भी हुआ उसको जो कोच था इंडिया का उसको ये चीज याद रहती है उसके बाद वो अपनी फील्ड या अपने स्टेडियम में जाता है ठीक है वहां पे जो भी रिजल्ट इंडिया टीम का उसमें थोड़ा सा ऐसा बुरा हाल दिखाते हैं उसमें कि नोबडी वाज एबल टू मेक दैट चौका छक्का एट दैट टाइम तो वो इंडियन कोच बोलता है कि यार मेरे पास एक क्रिकेटर है ही इज अंडर एज बट यस ही कैन डू दैट तो सब लोग हैरान होते हैं अच्छा चल बुलाओ देखो उसको बुलाते हैं एंड वो उसको फील्ड में बुलाते हैं एंड उसका ट्रायल जो भी होता है एंड ही डिड दैट अब क्या होता है कि वही बैट उसका होता है और वो उससे ही खेल रहा होता है जो भी है लास्ट में मूवी का ये होता है जो उसका रिजल्ट था
वो उस पे उसका इतना बिलीव था, यू नो दैट इज अ मैजिकल 83 कपिल देव बैच. लास्ट में ऐसा कुछ होता है कि जब वो मूवी होती है, मतलब जब वो एक लास्ट इनिंग खेलने जा रहे होते हैं, वो लड़के का बैट टूट जाता है. ठीक है, तो जब वो इंडियन कोच होता है वो बोलता है कि ओके डजंट मैटर, आपको हम नया बैट लेके देंगे इस ब्रांड का उस ब्रांड का. तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा मैजिकल बैट था यू नो, और ये तो ब्रेक हो गया. एंड देन ही सेड कि मैजिक, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूं, थोड़ा इसको शॉर्ट करके 9:30. हां बस हो गया. हाँ, जैसे तो वो इंडियन जो कोच है वो उनको ये बोलता है कि जो वो मैजिक था वो बैट में नहीं था, मैजिक तुम में है. नाउ प्ले, नाउ यू कैन प्ले इन द फील्ड. एंड जब वो ये, जब उसको ये पता लगता है यू नो द मैजिक इज बेसिकली इनसाइड यू, एंड देन ही वॉन द सीरीज, ही वॉन द मैच. सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. प्लीज टेल द नेम ऑफ द मूवी अगेन. इट इज चैन खुली की मैन खुली. ठीक है, सो ये आप देखना मूवी को. एंड मतलब ये क्यों बोला मैंने, क्योंकि जो इसमें बार बार वर्ड आ रहा था इनसाइड इनसाइड, so it is inside you, the magic is inside you, you know, tools to hum use karte hain lekin it is basically you. So this is what it is, today's session. Yes. So I hope everything very, is very clear. Wonderful example Nidhi, and very well explained all the chapters. Thank you so much. Are very well explained with beautiful examples. Thank you so much. Thank you ma'am. So theek hai, aaj hum ye movie dekhenge, aaj nahi to kal. Choti si movie hai, I think 2 ghante ki movie hai ye wali. So it is very interesting, aapko maza aayega dekhne mein. To dekhiyega abhi hum choti si ek prayer kar lete hain within 5 minutes. Kaun aage aane wala hai aaj, kaun karwayega prayer, who is the volunteer, anyone? मृदुल जी है. ओके, मृदुल जी हैं, लेकिन वो मृदुल जी क्या आप करवाना चाहेंगे छोटी सी? मृदुल जी कल सेशन देगी, मैं कल ही करवाऊंगी. शैला आप ही करवाना. ओके. चलो शैला करवा दो, लेकिन थोड़ा टाइम का ध्यान. निधि ने चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल करवाए हैं. सो ग्रेट निधि. यस, थैंक यू. रियली प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सो मच. सब शागिर्द है. शैला, हमें टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना है. विदिन 5 मिनट्स आप छोटी सी एक प्रेयर करवा दीजिए, तो फिर उसके बाद शेयरिंग लेंगे हम. थैंक यू सो मच. थैंक यू शैला. थैंक यू. शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, इस मुस्कुराते हुए प्यार से भरे जीवन के दान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी प्यारी जिंदगी मिली, इतने प्यारे लोग मिले. मेरे माँ बाप का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे जन्म दिया, बाल अवस्था दूध पिलाया और इतने अच्छे संस्कार दिए. थैंक यू मम्मी डैडी. मेरे सारे गुरुओं का, सारे मेंटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी पालना दे रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्यारा प्रभु आ नहीं सकता था धरती पर, इसीलिए आपके रूप में, आप लोग सबके रूप में कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं प्रभु. मैं बस उनकी राह देखती रहती हूँ, कैसे किससे सीख मिले मुझे, और मैं सीख रही हूँ, पल पल सीख रही हूँ सबसे, सारे पार्टिसिपेंट से कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, सारे गुरुओं से कुछ ना कुछ सीख रही हूँ. मैं देख रही हूँ 3 डेज से इतने सारे मेंटोर्स की बरसात हो रही है, रेन हो रही है. थैंक यू सो मच. मेरा मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त और जबरदस्त शरीर रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु. I am awesome in any मौसम. Thank you. मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ. कल से भी आज बहुत मजा आने वाला है. हम जल्दी से किसी की शेयरिंग लेंगे और उनके मैजिक्स रिसीव करते हुए हम लर्निंग करेंगे. एक एक स्टेप करके हम भी ऊपर चढ़ रहे हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि आप चढ़वा रहे हो. आपकी रहमत से, आपकी रजा से सब कुछ हो रहा है. Thank you so much. थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. I am a powerful being. मैं पद्मोपदम भाग्यशाली आत्मा हूँ. परमपिता परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है. मैं बहुत खुश हूँ. मैं बहुत शक्तिशाली हूँ. मैं बहुत भाग्यवान हूँ. थैंक यू. देवता समान पति देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बच्चे तो पैदा ही हुए हैं नाम रोशन करने के लिए.
बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू शाला, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल प्रेयर. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग इन द प्रेयर एंड डूइंग अ वंडरफुल प्रेयर. थैंक यू सो मच. थैंक यू मंजू जी, थैंक यू सो मच प्रणव, थैंक यू सो मच. जीवन में खुशियां आए, सबके जीवन में सबके सपने भर भर के पूरे हों, सबका जीवन खुशहाल हो. थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर टाइम. तो अभी एक शेयरिंग लेने वाले हैं आज हम, तो निधि जी आप शेयरिंग लेंगे. मंजू जी आप ले सकते हैं. तो ओके, थोड़ा सा मेरा नेटवर्क ना अभी आई एम देयर, बट मैं मेरी आवाज बीच बीच में शायद ब्रेक ना करे. आई मीन क्योंकि इट्स बीन वो मेरी स्क्रीन ना बार बार थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे स्टार्ट. डोंट वरी नीला, मेरी अगर जरूरत होगी तो आई एम आल्सो हियर. ओके थैंक यू. मंजू जी कर रही है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आई एम आल्सो हियर. ओके थैंक यू. सदा शुक्रिया, शुक्रिया दिल से शुक्रिया.